वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल। और अमोल गुप्ते का डायरेक्शन बहुत अच्छा है और परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत अच्छा उसमें साइना नेहवाल जो बैडमिंटन प्लेयर हैं उनका रोल उन्होंने दर्शाया है। सो वॉट एवर अप्स एंड डाउन शी हैज़ गॉन थ्रू द स्ट्रगल एंड यू नो हर अचीवमेंट्स अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। जरा भी नहीं लगा कि मतलब वो रिजेम्बलेंस इतनी अच्छी मतलब लगी, तो बहुत अच्छा उन्होंने अपना किरदार निभाया। और इससे पहले भी सभी क्रिटिक्स ने बहुत अच्छा यू नो शी हैज़ गॉट वेरी गुड यू नो रिव्यूज़ अबाउट द मूवी। आई थिंक उनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है कि यू नो हाउ यू नो शी इंस्पायर्स एवरी वन, यू नो दैट हाउ शी स्ट्रगल्ड, देयर वाज अ कोच हु वाज कोचिंग हर, शी हैड अ फॉल आउट विद हिम, फिर उनके साथ वो दूसरे कोच के साथ आई, फिर शी बिकेम नंबर वन। और ऑल हर अचीवमेंट्स यू नो आई मीन हर जर्नी इज सो इंस्पायरिंग, सो मोटिवेशनल दैट यंगस्टर्स टुडे यू नो इफ दे हैव टू फाइंड अ हीरो यू नो दे शुड यू नो कॉपी सच पीपल यू नो बिकॉज देयर इज सो मच टू लर्न। बहुत अच्छे चैलेंजेस को कैसे उन्होंने फेस किया, एक उनके डाउनफॉल आया करियर में और फिर कैसे वो दोबारा उभरी एंड शी इमर्ज्ड विक्टोरियस, दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग आई थिंक। म्यूज़िक अमाल मलिक का ठीक ठाक है, चलें एक लास्ट में गाना है वो अच्छा लगा मुझे, लेकिन मेन चीज़ है सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है जो इस फिल्म की पीयूष शाह उन्होंने सिनेमाटोग्राफी की है। एडिटिंग थोड़ी सी और क्रिस्प हो सकती थी, 10-15 मिनट्स एडिट किया जा सकता था, तो दीपा भाटिया का जो को प्रोड्यूसर भी उनकी एडिटिंग ठीक ठाक है, बट ओवरऑल आई थिंक बहुत ही क्रिस्प है मूवी, कहीं भी ज़्यादा ड्रैग नहीं किया। इट्स अ स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी, तो यू नो जो बैडमिंटन लवर्स हैं उनको पसंद आएगी एंड देन यू कैन रिलेट टू द मूवी बिकॉज हमने उनकी अचीवमेंट्स को देखा है, किस तरह उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, उनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है एंड और 4.5 मैचेस वो जीती हैं। सो यू नो इंडिया को जिस तरह उन्होंने रिप्रेजेंट किया, आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द बैडमिंटन प्लेयर्स आफ्टर प्रकाश पादुकोण हु हैज़ इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड यू नो अचीव्ड सो मच, तो वो उनकी स्टोरी अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है आई थिंक। I'll give 4.5. Parineeti Chopra ko 5/5 because this tarah se she has portrayed the character, it's impeccable, flawless bilkul. What do you think if Shraddha would be there? I think comparison बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे मैरी कैम के मैरी कॉम मूवी आई थी ना, परिणीति चोपड़ा जो उनकी कज़न है, उन्होंने जिस तरह मैरी कॉम का किरदार इतने अच्छे से निभाया था, या फरहान अख्तर ने भाग मिल्खा भाग, क्योंकि बायोग्राफिक मूवीज़ में वो रिजेंबलेंस होनी भी ज़रूरी है, तो उस तरह से जैसे दिखाया शुरू में वो ओवरवेट हैं और फिर वो वेट लूज़ करती हैं, तो वो पूरा जो यू नो एक फेज है वो दिखाया एंड देन हर सक्सेस एंड देन डाउनफॉल एंड देन अगेन शी नो हाउ शी पिक्स अप एंड फिजियोथेरेपी वगैरह करके दोबारा वो सेकेंड इनिंग्स में नंबर वन बनती हैं वर्ल्ड में। तो जैसे मैंने कहा बहुत ही अच्छी मूवी है, मतलब हर किसी को देखनी चाहिए। देखिए पिक्चर तो साइना नेहवाल के जीवन पर है तो अच्छी लगेगी, क्योंकि उसने इंडिया का नाम बहुत अच्छी तरह रोशन किया है तो मज़ा आया। परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग बहुत अच्छी है, इसने इसमें जो बैडमिंटन चैम्पियन का रोल किया है और बचपन से इस लेवल तक जो पहुंची है वो बहुत ही अच्छा रोल उसने किया है। लेकिन सर क्या परिणीति कर पाई है साइना नेहवाल जैसे दिख पाई है? हाँ, कर पाई है, दिख रही है, मेकअप और उस तरह का उसका शरीर का और सब जो बताया ना वो लगभग वैसा उसने किया है। नहीं अच्छा लगने जैसा तो कुछ नहीं था, सब अच्छा ही था, और बेस्ट पार्ट ये है कि भारत को, भारत का नाम इसने रोशन किया और बहुत कठिन परिस्थिति में से गुजर कर वो उस लेवल पर आई, वो सभी को नहीं मालूम है। वो जो पिक्चर देखेंगे उन्हें मालूम होगा कि वर्ल्ड नंबर वन बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है। म्यूज़िक अच्छा है, गाना एक बहुत अच्छा है, वो गाना भी बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड में आता है परिंदे करके, आसमान करके, वो बहुत अच्छा गाना है। ये तो देखिए अब उस ड्रेस में और उस लुक में नहीं देखेंगे तब तक आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, इसमें तो ये हूबहू वैसी लगती है। फाइव में से इसमें 3 स्टार दूंगा। द मूवी वाज ऑन अ टॉप ब्लास्ट है। साइना नेहवाल का रोल ऑब्वियसली, स्टोरी तो मैंने देखा, उसका इंटरव्यू भी काफ़ी हद तक देखा, तो पूरी तरह से मूवी मैच करती है।
एंड सना नेहवाल का जो रोल है परिणीति चोपड़ा ने, हाँ हार्ट्स ऑफ उसकी मॉम का जो रोल, डैड पहले से प्लेयर है, मॉम भी पहले से प्लेयर है, तो बच्ची कैसे प्लेयर नहीं पैदा होगी यार, सवाल ये था। मॉम है पहले से घर में जो है ना, तो लाइक तो गोल्ड मेडल्स तो होना ही है। नहीं नहीं नहीं, शी हैड डन अ वेल, काफ़ी अच्छी तरह से रोल उसने जो पैक किया, जो स्मैश करने का वो सब जो रोल है, जो मेरे फ्रेंड जो ही इज़ माई प्लेयर माई फ्रेंड यश जो बैडमिंटन खेला, उसने जो बताया काफ़ी अच्छी तरह से स्मैशिंग वैशिंग सब कुछ अच्छी तरीके से बताया। और जो साइड में वो फोटो भी दिखाया आप मूवी एंडिंग में देखिए, जैसे साइना नेहवाल कैसा करती थी, वो दोनों मिलता जुलता काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया। स्मॉल छोटी सी जो लव स्टोरी है, जो दोनों का छुप छुप के लव स्टोरी, देन शी सैक्रीफाइस, जो उनके जो कोच है गोपीचंद, आई थिंक गोपीचंद आई रिमेंबर गोपीचंद, गोपीचंद जो उनके साथ जो खटपट हो जाता है लाइक व्हाट शी इज डूइंग देयर, जो उनके लाइक एकेडमी छोड़ देना, फिर वो फिर दूसरी जगह जाना, व्हेन शी गोज देयर देन शी रीडिस्कवर व्हाई शी इज बीन हाईलाइटेड हैज बीन मोस्ट आइडियल वुमन इन द आफ्टर पीटी उषा के बाद जो है, वाई शी इज़ बिन मोर हाईलाइटेड, वहाँ पे जो बच्ची उसको दिखती है, मैं साइना नेहवाल के साथ कपड़ा पेंटी हूँ, मैं साइना नेहवाल के साथ ये पेंटी हूँ, आई लुक लाइक साइना, आई एम साइना ओनली साइना, अपना मिरर देखती हूँ, तो लाइक काफ़ी अच्छी तरह से लगा मूवी को चल रहा था। अमोल गुप्ते हैट्स ऑफ भाई, एक तो पहले से मैं ऑलरेडी आई बिकेम योर फैन, पहले भी मूवी में जो मैं देखा था वो मुंबई सागा में लगी, और डायरेक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से था, और यहाँ बहुत बहुत अच्छी तरह से उन्होंने चैनल किया, नो मिक्स मसाला, नो कम्प्लीटली डायरेक्ट टू द पैकेज, जो डिलीवर जो ऑडियंस को जो चाहिए, कोई गाने भी नहीं का वो नहीं, जो हाँ पीछे से एक जो मैं परिंदा क्यों बना हुआ, एक काफ़ी अच्छी तरह से जो गाना है, एक स्मॉल गाना है अंदर से बैकग्राउंड म्यूजिक में दिया, बहुत अच्छी तरह से था, एवरीथिंग सुपर इन दिस मूवी, एवरीथिंग सुपर, आउट ऑफ फाइव आई गिव फाइव ओनली, देयर इज नो चांसेस उसमें से कम ही नहीं करना भाई, आउट ऑफ फाइव, आउट ऑफ फाइव, आई रिक्वेस्ट ऑडियंस प्लीज कम एंड वॉच दिस मूवी, इज रियली गुड स्पोर्ट्स मूवी, इनकरेज द स्पोर्ट्स, इससे स्पोर्ट्स प्लेयर्स लोग काफ़ी इनकरेज मिलेगा इन द मूवी, माइंड ब्लोइंग सुपर, मतलब कि अगर एम एस धोनी स्पोर्ट्स मूवी के बाद कोई मेरे को अच्छी लगी तो साइना लगी, एक नंबर। परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग कैसी लगी, बिकॉज़ सब कंपैरिजन कर रहे कि श्रद्धा को होना चाहिए था, कास्टिंग गलत की गई है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, श्रद्धा कपूर अपनी जगह पर सही रहती है, लेकिन आप जाओ थिएटर में देखो मूवी, समझ में आ जाएगा कि श्रद्धा अच्छी किया है या परिणीति चोपड़ा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मतलब कि जो उन्होंने साइना नेहवाल के ऊपर जो इनका रोल दिया गया, उन्होंने खूब प्ले किया रोल को, कहीं कमी नहीं रखी। बचपन का इनका जो बचपन का दिखाता सबसे बेस्ट पार्ट है, और लास्ट का जो बैडमिंटन खेलती है एक चाइनीज लड़की के साथ जो फाइनल होता है, जो वर्ल्ड चैंपियन बनती है, वो जो 15 मिनट लगातार बैडमिंटन खेलती है, वो सुपर सीन था, सुपर है, म्यूजिक भी अच्छे हैं, सॉन्ग मतलब कि कहाँ पे एडिटिंग करना, सॉन्ग को कौन सिचुएशन में डालने का, सॉन्ग सब ने अच्छे से डाले, वो सब जगह पर डायरेक्शन उन्होंने सुपर किया है, बोले तो कोई कमी नहीं है डायरेक्शन में, कहीं पे नहीं, आप अगर मूवी एक बार थिएटर में बैठ जाओगे टिकट लेके तो आप फर्स्ट आप उठ ही नहीं सकते हो, आप नम चिपक जाओगे सीट पे, क्योंकि आपको उठने नहीं देगी मूवी। देखिए आप साइना नेहवाल बोले तो हमारी इंडिया की खिलाड़ी थी, आज हैं बोले तो सुपर, उनका जो बैडमिंटन उनका जो जिंदगी रहा है, किस तरह से उन्होंने चैंपियन हासिल किया, सब चीज़ उन्होंने इस मूवी के जरिए आपको बताया, अगर आप उनके ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो तो आप मूवी के जरिए आप उनके ज़िंदगी के बारे में जान सकते हो, तो आप प्लीज़ आओ, क्योंकि साइना नेहवाल बोले तो बैडमिंटन खिलाड़ी है तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि देश की बेटी बोल सकते हैं, देश की बेटी हैं, तो आप तो मूवी प्लीज़ देखो एक बार, 3.5 डेढ़ रीज़न कुछ है, मतलब कि 3.5 स्टार दिया, मेरे को थोड़ा बीच में मूवी जब इंटरवल ख़त्म होती है, इंटरवल के बाद जब मूवी स्टार्ट होती है तो कहीं थोड़ा सा मूवी को 15-20 मिनट मतलब पब्लिक को थोड़ा छोड़ती नज़र आती है, 10-15 मिनट मतलब कि थोड़ा नहीं लग पाती है, ढीला छोड़ दिया, तो उसके बाद फिर जब से ये जाती हैं बाहर, जब इनका पैर टूट जाता है तो उसके बाद फिर मूवी पकड़ लेती है बराबर। अच्छी मूवी है, और परिणीति चोपड़ा का काफ़ी अच्छा एक्टिव, अच्छा अच्छा काम किया उन्होंने, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही स्पोर्ट्स के ऊपर इंडस्ट्री वालों को जो पिक्चर बनाना चाहिए, और वो पब्लिक को जो है अच्छा मैसेज मिलते रहे, और हमेशा स्पोर्ट्स के ऊपर एक अच्छी मूवी, परिणीति ने बहुत अच्छा काम किया है साइना के में, और बहुत अच्छा लगा, और इसे मेरे हिसाब से 5 स्टार मिलना चाहिए, 5। म्यूजिक बहुत अच्छा था, जो डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था, और
मूवी अच्छी लगी, बहुत अच्छी मूवी। मूवी काफ़ी अच्छी थी, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी थी, और जो सपोर्ट दिखाया उसके पेरेंट्स ने वो काफ़ी अच्छा था। लाइक मुझे तो रोना आ रहा था बीच बीच में, वो स्टार्टिंग का पार्ट काफ़ी इमोशनल था, एंड ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी। परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग बहुत ही कमाल की थी, उसके जेस्चर्स जो थे, वो जैसे बोलती है, जैसे वो बात भी करती है वो अपने सर से, ऐसा लगता है कि हाँ वही है। और उसका पूरा जो ड्रेसिंग स्टाइल था, जैसे कि साइना क्लिप्स लगाती है बालों में कलरफुल, तो वैसे भी वो भी लगा रहे थे, मतलब कि ऊपर से नीचे पूरा सही था उसका एक्टिंग भी, और जो ड्रेसिंग की थी वो भी बहुत सही थी। म्यूज़िक के ऊपर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे पूरा वो मैं स्टोरी में ही थी उसके अंदर, और लाइक जब म्यूज़िक आ रहा था तब भी लाइक बहुत ज़्यादा मैच भी हो रहा था, तो म्यूज़िक भी अच्छा ही था। काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने लाइक पहले दिखा दिया कि हाँ ये जीत हो गई है उसकी, और पूरा फ्लैशबैक में गई परिणीति चोपड़ा और उसका पूरी स्टोरी दिखाया, तो वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने निभाया। बट ऐसा है कि जो साइना की जो कहानी थी उस वो ऐसे लाइक प्रॉपर जो थी वो उसमें इतना बराबर दिखाया नहीं है, कि थोड़ा आगे पीछे उन्होंने कर दिया है, बट जो डायरेक्शन था वो काफ़ी हद तक सही था। लाइक ऑडियंस को समझ में आ गया कि कैसे लाइक वो गई है, गुजरी है, लाइक स्टार्टिंग में उसने सक्सेस पिया जो बच्चा जब छोटी थी तब से वो चालू की है करने का, और लाइक वो बीच में से 2 साल ऐसे थे उसके जो काफ़ी हार्ड थे, पर उसके बाद भी उसने काफ़ी सक्सेस पाया है, तो बहुत अच्छा है। मैं 4.5 दूंगी इस मूवी को स्टार, बिकॉज कहीं मुझे ऐसा लगा कि लाइक थोड़ा इतना भी बेटर नहीं था, तो थोड़े थोड़े सीन्स जो थे उसके, बाकी ओवरऑल बहुत सही थी। मुझे सबसे ज़्यादा परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग ही बहुत कमाल की लगी थी।